सुबह आज तो बहुत ठंडी हुई है, कितनी तेज तेज पत्ते हिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं पुए, अभी कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। यहाँ पर आसपास इतनी जगह है ना घूमने के लिए, कनाडा से ही बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं इन पार्क्स को देखने। बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। आज तो मैं कृषिव को भेजूंगी जरूर, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जगह हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे है। आई मस्ट टेल यू दिस इज अ ह्यूज प्ले एरिया फॉर किड्स। फेजल इसमें चली तो गई है, अब इसको डर लग रहा है इसके ऊपर पानी गिर गया, कहीं से भी निकल जा रहा है पानी। इसको धक्का मार के भेजना पड़ता है, बहुत डरता है, मुझसे रुका नहीं गया, इतना मजा आ रहा था मुझे बच्चे को देख के और मैं खुद आ गई। अभी हो गया फ्रूट टाइम, हम लोगों ने ब्रंच किया था, नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस पार्क। सी पेड़ कैसा लग रहा है, नेचर से मिली हुई चीजें नेचर के लिए यूज हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और यहाँ की सुबह आज तो बहुत ठंडी हुई है, और वैसे एक दो दिन पहले भी ऐसा हुआ था बट दिन में धूप आ गई थी, कड़क धूप, लेकिन आज तो जो हवा है ना इतनी ठंडी, मतलब जैसे पहाड़ों में हवा, मतलब पहाड़ तो है ही ये, लेकिन जो ठंडी हवा चिल्ड वाली हवा होती है वो चल रही है। ये देखिए कितनी तेज तेज पत्ते हिल रहे हैं, और ये अभी रुक गया था बीच में। और यहाँ पर ये मेरे पुए का मसाला ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, यहाँ पर मेरे बन रहे हैं पुए। और ये इसमें मैं आटा गूंदूंगी इसमें मैं पूरी का आटा गूंदूंगी, इसमें मैंने नमक और अजवाइन मिला दिया है, अभी थोड़ा सा ऑयल और पानी से इसको गूंदूंगी। और ये आलू मेरे बॉइल्ड आलू हैं, इसकी सब्जी बनाऊंगी और फटाफट से रेडी करेंगे, और फिर ये ब्रेकफास्ट में होगा, हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि अभी कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, क्योंकि आज मतलब स्वेज ने छुट्टी ली है। अब देखिए हल्की हल्की धूप आने लग गई है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, दैट मीन्स कि मौसम अच्छा है। कल रात को मैं सर्च कर रही थी, यहाँ पर आसपास इतनी जगह है ना घूमने के लिए, यू नो पार्क्स ही इतने अच्छे अच्छे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई टिकट नहीं है। और जो जू वगैरह आसपास उनके तो टिकट है, खैर और भी चीजें हैं उनकी टिकट्स हैं, लेकिन यहाँ पर म्यूजियम्स हैं, पार्क्स हैं, जो लोगों ने इतने अच्छे रिव्यूज दिए थे, और लोगों ने ये लिखा था कि मतलब हम सोचते थे कि इतना अच्छा है तो इसका टिकट होगा, बट अंदर जाके पता चलता है कि टिकट नहीं है। और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट दूर से आते हैं, दूर दूर से मतलब कनाडा से ही बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं इन पार्क्स को देखने। और ये रेडी हो गए हैं मेरे पुए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और बाहर देखिए कड़क धूप आ गई है लेकिन हवा वही बरकरार है। दोस्तों हम निकल गए हैं, और बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, नियर बाय ही जाएंगे, लैंगली में ही ट्राई करेंगे, सो लेट्स गो। ये देखिए दोस्तों यहाँ भी जाम मिलता है, और लेकिन यहाँ पर जैम किस लिए हो रहा है, क्योंकि आगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो अभी ट्रैफिक रुका हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी डबल रोड है, बट अभी सिंगल रोड से जाना पड़ रहा है, तो दैट्स द मेन रीजन कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है। So here we are. This is actually the city park, और इसके अंदर है डाइनो पार्क। हम अब पहुंच गए हैं लैंगली के डाइनो पार्क में। सी कितना बड़ा पार्क है, यहाँ पर तो वाटर एक्टिविटी का भी है। आज तो मैं कृषिव को भेजूंगी जरूर, बिकॉज एवरी टाइम ही इज लाइक नहीं जाना, इसको चाहिए गर्मियों में भी गर्म पानी। कृषिव स्क्वायरल, ओ सी द ट्रीज, कितने बड़े ट्रीज हैं यार यहाँ पर। हाँ
एंड दिस इज किड्स प्ले एरिया. वाओ वेरी नाइस, काफी बड़ा और ऐसा लग रहा है कि देखिए ग्रीनरी देखिए चारों तरफ कितनी वाओ अमेजिंग. एंड आई मस्ट टेल यू, मतलब यू नो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जगह हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे है. ओह माय गॉड. तो ये है हमारा डाइनो पार्क और इसमें हमने देखा था इसमें डायनासोर के कुछ वो होंगे ना. स्वेजल सी वेयर आर द फॉसिल. स्वेजल इसमें चली तो गई है, अब इसको डर लग रहा है. ये कैसे, मुझे भी डर लग रहा है इसको देख के कि कैसे उतरेगी. Very good. So she's there, and Krishiv is there. Oh yes, I can see that man here as well. Sit here. Why? Oh, it's a bus. Is it? दोस्तों यहाँ पर गर्मियों में घूमने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है ओपन में, बट थिंग इज यू हैव टू कैरी योर सन ग्लासेस एंड कैप या हैट, बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर. एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो और सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है. अब यहाँ पर थोड़ा शेड है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शेड में आते थोड़ा सा ठंडा सा भी लगने लग जाता है. आज स्पेशली ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज़. यू कैन सी मेरी हैट कैप भी हिल रही है, पूरी पकड़ के जाना पड़ रहा है. एंड सी ये बच्चों के लिए पानी का है, इससे ऊपर रेड कलर की बकेट है, इसमें पानी भरता है तो नीचे गिरती है. अभी पानी भर रहा है, मतलब देर आर बटन्स की आप बटन को ऑन करके यू कैन टर्न ऑन द वाटर. अभी बच्चे आएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको. तो इसके ऊपर पानी गिर गया, कहीं से भी निकल जा रहा है पानी. ये देखिए अभी मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ से पानी स्टार्ट हो गया. तो यही होता होगा, जैसे ही कोई जाता होगा तो पानी स्टार्ट हो जाता होगा. नॉट्स रेजिस्टर्न. तो ये देखिए डायनासोर का पूरा फॉसिल्स टाइप के बनाए हुए हैं यहाँ पर, बिकॉज इट इज डाइनो पार्क. चलो इट्स नॉट वर्किंग आई थिंक. अभी मैं यहाँ आई हूँ तो ये स्टार्ट हो गया. एंड दे आर प्लेइंग, स्वेजल एंड कृष्ण बोथ आर प्लेइंग. कृष्ण गो, इसको धक्का मार के भेजना पड़ता है, बहुत डरता है. गो देयर. ठीक है, लेट्स गो होम देन. फ्रेंड्स मुझसे रुका नहीं गया, इतना मजा आ रहा था मुझे बच्चे को देख के. और मैं खुद आ गई कृष्ण के बदले, मैंने ही ये यूज कर लिया और इतना मजा आ रहा है. बट ट्रस्ट मी सीरियसली कृष्ण वॉज राइट, इट्स आइस कोल्ड वाटर. बट ऐसा भी नहीं है, धूप इतनी हो रही है, अगर आप जाओगे तो इतना भी ठंडा नहीं लगेगा. मतलब अभी नहाने के बाद भी इतना ठंडा नहीं लग रहा, तो हवा चल रही है. बट इट्स नॉट डैट, पानी ठंडा है ज़रूर लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई हो सकता है बच्चों के लिए हो. मतलब वो तो वैसे ही गर्मी में भी गर्म पानी पीना आता है. मजा आ गया लेकिन बहुत रोज आने का मन कर रहा है. ओ सी बट आई गॉट कृष्ण, सी दिस इज समथिंग डिफरेंट, मैरी गो राउंड काइंड ऑफ. एंड सी इसमें डबल का भी है, इसमें स्विंग में दो बच्चे बैठ सकते हैं, बड़ा एक छोटा. एंड दिस इज लाइक मैरी गो राउंड. Krishiv, no, he's trying to jump. डरपोक लड़का है बिल्कुल. थोड़ा तेज करो. मजा. तेज करो. सबसे ज्यादा एंजॉय तो इसी वाली राइड में कर रहे हैं बच्चे. आज तो बच्चों के साथ साथ मैंने भी एंजॉय कर लिया, बहुत मज़ा आ रहा है. पहले तो धूप में बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी पानी के नीचे नहा के
धूप में बैठने में इतना मजा आ रहा है ना, माय गॉड कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बिल्कुल कड़क धूप और हवा भी चल रही है तो फटाफट कपड़े सूख रहे हैं, बाल भी सूख जाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा बैग है, इसमें हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो खाने का सामान रखते हैं। तो कुछ चिप्स रखे हुए हैं, बिस्किट्स हैं, और अभी ये नहीं खाएंगे, ये मैंने कपड़ा भी रखा हुआ है, एक क्लीन हैंड वगैरह मतलब टाल है, एक चटाल हाथ वगैरह पोंछने के लिए। एंड स्वेज इज कटिंग फ्रूट्स, और अभी हो गया फ्रूट टाइम। हम लोगों ने ब्रंच किया था तो अभी भूख लग रही है थोड़ी, तो फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खाएंगे अभी थोड़ी देर में। ब्लैक सॉल्ट इज इन? नो, ओहो काला नमक तो नहीं खाना चाहिए। काला नमक हम कहाँ खाते हैं फ्रूट्स के साथ। और अच्छा लग रहा है काफी यहाँ बैठ के, काफी हद तक सूख गए। देखिए बाल से आपको पता चल रहा होगा, पहले बिल्कुल गीले थे, अब तो बिल्कुल सूख गए हैं बाल, बस थोड़ा सा और गीला है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जगह, आई मीन इसी पार्क में एक और जगह है, वहाँ चलेंगे। दोस्तों हम यहाँ बैठ के फ्रूट्स खाए थे, देखिए व्हाइट कलर का ट्रक दिख रहा है आपको, दिस इज आइसक्रीम ट्रक, तो ये लोग आइसक्रीम लेने गए हैं। स्वेजन इज गोइंग एंड स्वेजन क्रिशिव आर ऑलरेडी देयर एंड यहाँ पर सामान रखा है, तो वैसे तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था ये लोग चले गए, तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ वेटिंग फॉर द आइसक्रीम, गर्म गर्म गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। सो गाइस दिस इज आवर डायनासोर, डायनासोर का चेहरा पूरा, एंड दिस इज द डायनो पार्क। सो नाउ फ्रेंड्स हम लोग और आगे जा रहे हैं, नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस पार्क। अब थोड़ा धूप से अलग हटके आए हैं, तो यहाँ पर अभी ठंडी हवा तो वहाँ भी ठंडी चली थी लेकिन धूप थी, तो अब यहाँ पर ठंड धूप नहीं है लेकिन हवा लग रही है ठंडी ठंडी। एक छोटा सा झरना जैसा भी बह रहा है यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ यहाँ से कहाँ तक है वो पूरा। सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग द वॉक, और ट्रेल यहाँ पर है तो अभी देखते हैं कहाँ तक। अभी तो रोड है, रोड वाला रास्ता है, और फिर जंगलों के बीचे बीच का भी रास्ता आएगा शायद, बिकॉज वी आर हेयर फर्स्ट टाइम। तो मैं अपने साथ साथ ले चलती हूँ, मुझे दिख तो रहा है आगे कुछ ऐसा ट्रेल जैसा, लेट्स गो। स्वेजन इज कमिंग, यहाँ पर मैंने आपको दिखा था आइसक्रीम वाला ट्रक आया था और ये लोग आइसक्रीम लेने भी गए थे, बट क्रशिव की वजह से स्वेजन को भी नहीं मिल पाई। तो हम चलते हैं आगे, और ये वुड का रास्ता आया है कुछ, और वो जो मैंने आपको झरना दिखाया था उसका पानी, लेट्स गुड। यू नो नेचर की छोटी छोटी चीज़ें हमें दिख रही हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। इट्स द रोड, हमें लगा ये ट्रेल होगी। हाउ लकी दीज पीपल आर, इनके घर के पास इतना अच्छा पार्क है, और यू नो ये रोड है, यहाँ भी पार्क करके आ सकते, दिस इज द अनदर वे। सो वापस चलती हूँ। तो ये एरिया है रोड का जहाँ से मैं अभी वापस आई हूँ, एंड ये एरिया है पार्क के अंदर जाने का, एंड दिस इज आई गेस दिस इज अ ट्रेल। यहाँ से जाके देखते हैं, डर भी लग रहा है थोड़ा, मैंने आवाज लगाई थी बच्चों की, आवाज यहीं से आ रही थी। वाओ देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, आई थिंक सो, आई थिंक देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, एंड हियर आई एम। हाँ ये तो बहुत ही छोटी ट्रेल थी। तो हम वापस पार्क में आ गए हैं, एंड यहाँ पर वी आर सर्चिंग फॉर द ट्रेल, आई थिंक दिस इज द वे। बच्चों के लिए काफी एक्साइटिंग जगह है। ओह वाओ वी आर इन अ जंगल कृषिव, वी आर इनसाइड अ जंगल। कैसा लग रहा
अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड फिर से, बट अच्छा लग रहा है पहाड़ की तरह। इसमें हम चढ़ के जा रहे हैं ऊपर। मेरी तो हालत खराब हो गई, गोवा की याद आ गई। गोवा में हमने ट्रैकिंग की थी, तो इट्स लाइक स्मॉल ट्रैक। ये पानी वाला एरिया था पूरा, एंड नाउ वी आर गोइंग, ओह वाओ, दिस इज लाइक अनदर ट्रेल। ये पूरा जंगल, अगेन आई एम सेइंग, बच्चों के लिए काफी फैसिनेटिंग होने वाला है। Yes. अगेन वही झरने का पानी उधर से आ रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ से भी आ सकते थे। दिस इज ऑल्सो हमवे, नो नो डोंट डू दिस। सो दिस इज द होल एरिया, वेरी पीसफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। ये देखिए आप, और ट्रीज देखकर तो बहुत ही अमेजिंग होगा। दोस्तों ये वुड के चिप्स यहाँ पर डाले होते हैं, मतलब बच्चों के प्ले एरिया में, राइड्स जहाँ पर होती हैं, और यहाँ भी मैं देख रही हूँ यहाँ भी डाले हैं, जिससे कि बच्चे अगर गिरे या कोई भी गिरे तो उनको चोट ना लगे। तो यहाँ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि काफ़ी सेफ्टी रखी का ख्याल रखा जाता है, और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। नेचर से ही मिली हुई चीज़ें नेचर के लिए यूज़ हो रही है, विच इज़ गुड। हम सबको इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, यू नो, वुड के चिप्स ऐसे डाले में पूरे में, एंड आई रियली लाइकिंग दिस आइडिया। सी दिस इज समथिंग, मे बी कुछ जंगल का कोई फ्रूट, एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में ही। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ मैप, और यहाँ पर आके हमें थोड़ा आइडिया हुआ है ट्रेल का, जहाँ पर ग्रीन में नेचर ट्रेल्स लिखा हुआ है, तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो इन दिस पाथ नाउ। सो ये ब्रिज डेक, एंड हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ब्रिज के ऊपर से होते हुए, मतलब मैं जा रही हूँ, एंड देखिए वो झरने का पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ है। सो वी आर गोइंग फॉर द ट्रेल नाउ, वन मोर ट्रेल। एंड सी गाइस, देयर इज लैंगली कम्युनिटी म्यूजिक स्कूल एज वेल। अगर किसी को म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह कराना है या करना है, तो हम लोग अंदर एक बार जाके पता कर रहे हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लासेस भी होती है स्विमिंग लेसन्स के लिए। दिस इज द वे। ये जो स्विमिंग पूल है, ये इसका पानी हॉट, मतलब भी हॉट वाटर स्विमिंग पूल है। सो पानी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। हमने बात की थी तो बताया था उन्होंने कि गर्म पानी रहता है इसका पूल, हॉट वाटर है। और यहाँ पर आप देखेंगे पार्किंग का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, और चारों तरफ पार्किंग है मैंने जो देखा। ये देखिए दोस्तों, आसमान बिल्कुल काला हो गया, बादल काले हो चुके, तो बारिश आने के पूरे पूरे चांसेस है। सो हम लोग टाइम पे घर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, इट वॉज अ ग्रेट फन फॉर अस। और आप लोग भी आइए इस पार्क में, काफी मजा आएगा, एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट की तरह, और सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। इनफैक्ट आइसक्रीम वाला भी मिलेगा, जो कि हम यहाँ मिस करते थे। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड आपको ऐसे ही वीडियोस सरी और उसके आसपास लैंगली, और यू नो, इन फ्यूचर मैं आपको और भी आगे दूर दूर की जगह के बारे में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।